गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर गुड। तो अभी मैं आ चुकी हूँ भोपाल में और मैंने कुछ खरीदा है, तो मैं सोची आपके साथ शेयर करूं। तो ये रहा टडे, तो ये फाइनली मैंने खरीद लिया है। तो ये है फोन, आप देखिए तो समझ ही गए होंगे। और मैंने खरीदा है Realme Plus, जो अभी चार दिन पहले 5 तारीख को, जो 5 या 6 को लॉन्च हुआ था वो वाला। उससे पहले मैंने जो ये है ना फ़ोन Realme 12 Pro, वो मैंने खरीदा था। और अब मैंने Realme 12 Plus खरीद लिया, क्योंकि प्रो मैंने मंगाया था ऑनलाइन और कुछ पता नहीं, जो किसान लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके वजह से वो डिलीवर नहीं हो पाया था घर पर। तो मेरे को वो मैंने उसको फिर कैंसिल करके ये वाला मैं भोपाल से ले ली। तो ये देखो, अभी मैं दिखाती हूँ, उसमें निकल जा भाई। तो ये देखो, अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कैसा आया। मैं भी अभी तक देखी नहीं हूँ, तो मैं सोची कि आपके साथ ही खोलूंगी, तो मैं भी देख लूंगी। तो ये देखो, खोल दे इसको, होप अच्छा हो। मैंने इसलिए नया फोन खरीदा ना, क्योंकि मेरा पुराना वाला फोन खराब हो गया था। मेरे को अभी साल भर अपना फोन चेंज नहीं करना था, पर वो हो गया अचानक से बंद, सो मेरे को फाइनली खरीदना पड़ा। वैसे भी मेरे को अभी अपना पुराना वाला फोन ज्यादा अच्छा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, मेरे को वीडियो वगैरह बनाना होता है, तो वैसे बंद हो जाता, स्टोरेज मेरा पूरा फुल हो गया था। तो ये देखो, ये रहा, इसमें तो शायद कवर दिया है, वेलकम टू Realme फैमिली। तो इसमें है ये कवर और ये है पिन। अब निकालते हैं जो मेन चीज है, ये रहा फोन। इसका लुक देखो कितना मस्त लग रहा है। ये वाला, ये भी थोड़ा लेदर का ही है, और जो Realme 12 Pro था ना वो भी लेदर का था, पर उसका थोड़ा सा ये देखो, और इसका जो फ्रंट है वो ऐसा है। तो उस जो पहले वाले का था ना, उसका नहीं, ये कर वाला था, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। पर मैंने जब बात किया ना भैया से, तो उन्होंने बोला कि भाई वो रफ एंड टफ नहीं है, और मेरे पास फोन बहुत गिरते रहता है। तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत जल्दी चला जाएगा, और उसका इसका जो डिस्प्ले है ना वो वाले का, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो फैशन बाद में, लेकिन पहले रफ एंड टफ जरूरी है। तो मैंने ये खरीदा। तो ये देखो, इसका ऐसा है, मस्त लग रहा है ये। और इसका जो बैक है वो भी लेदर का ही है। इसका कैमरा मस्त है ये। अब इसको ऑन करके देखते हैं। मैं इससे पहले 2 फोन चेंज कर चुकी हूं, मेरा तीसरा फोन है अब तक का। तो मैंने ओप्पो यूज किया, उसके बाद रेडमी और अब रियलमी। तो ये जल्दी से खुल जाए, खुल जा सिम। चलो ये खुलता, उस तब तक मैं और दिखाती हूँ कुछ। इसमें 67 वॉट का वॉक चार्जर दिया है, जिससे 20 मिनट, हाफ एन आवर में उन्होंने बोला चार्ज हो जाता है। तो वो तो मैं बाद में टेस्ट करके देख लूंगी कि हाँ सही है या नहीं। और ये रहा, इसमें टाइप सी केबल है। फिलहाल तो फोन में इतना ही मिला है। ये रहा मस्त। तो बताइएगा कि कैसा है मेरा फोन। और इसके साथ ना, मैं शॉप से खरीदी थी इसलिए इसमें एक ऑफर था, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि उसमें मुझको एक और आइटम मिला है फ्री में, गिफ्ट मिला था। ये ओपन करके देखते हैं। मैं
मैं तो इसको खोल के देख लेती पर आपको फिर से दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये इसमें कुछ भी रखने वाला है, ये टिफिन जैसा जो भी आइटम खाने का। तो ये फ्री में मेरे को ये भी मिला, और बताओ और क्या चाहिए इससे अच्छा। तो गाइज अभी मेरे को अपने पुराने वाले फोन को अलविदा कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं उसको सोची कि उसको या तो सेल कर दूंगी या तो फिर देखूंगी जैसा उसको रखूंगी, अब डिपेंड करेगा। तो फाइनली मैंने ये फोन खरीद लिया, और पिछले वाला फोन जो था ना वो महंगा था, उससे ये मेरे को सस्ता पड़ा। तो वो मेरे को 28,000 ऑनलाइन दिखा रहा था, और वही मैं क्रोमा और रिलायंस डिजिटल में पता की ना, तो वो 23-24 ऐसा दिखा रहा था बैंक ऑफर पे। और उसके बाद ये मेरे को पड़ा 23 का है ऐसे ये, और ये मेरे को पड़ा 19,000 समथिंग में। तो बताओ मैं 28,000 का फोन ऑर्डर करके और उसके बाद फिर मैं ये खरीदी, तो मेरे को कितना 6,000 रुपये मेरे बच गए। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, मेरे को बताइएगा कि मैंने फोन सही खरीदा है या गलत। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।